अपेक्षित आय के रूप में एक रेखांकित यहाँ किया जाएगा, जो इतना लाख रुपया जिसका वार्षिक आय है वही विकल्प को टीकरी में आएंगे, बाकी आदमी हो गया जनरल। दूसरा जजमेंट का बिंदु है वर्गीकरण। हमारे समाज को इसमें गुमराह किया जाता है, सब दुसान खा गया, रक्षण चमार खा गया, तो ये खा गया वो खा गया और जाति को नहीं मिला। तो हमारे समाज में जैसे मनुवाद मनु स्मृति बना करके जाति में खंडित कर दिया गया था, और इस तरह से खंडित किया गया था जिसका बार आज तक हम लोग 4000 से 5000 वर्ष से झेल रहे हैं। न दुसान मुसर के यहाँ खाता है, न मुसर दुसान के यहाँ खाता है, न समार डोम के यहाँ खाता है, डोम समार के यहाँ खाता है। यादव कहता हम रघुवंशी है क्षत्रिय, कोयरी कुलमी जाए कहता हम चंद्रवंशी है, बड़का क्षत्रिय हम है। दुसार में भी कहता हम गौरव क्षत्रिय है। अरे भाई आप मूलवासी है कहिए ना, भारत के मूलवासी है, शूद्र है। अभी जितनी चर्चा कर रही है 85% 85%, ये हम लोग क्या प्योर शूद्र है। और शूद्र छोड़ दीजिए, हम लोग शूद्र भी आप नहीं कहें, हम लोग भारत के मूलवासी है। और जो आज विदेश से आया है, जो विदेशी है, जो अपने को काम सर्वश्रेष्ठ है, सभी जाति ऊपर है, हमको मुंह से समूह से पैदा लिया, विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, मुद्दा पड़ा आ जाऊंगा नहीं तो बहुत चल जाएगा। तो वर्गीकरण का सवाल आया, और तीसरा आया है, तीसरा जजमेंट जो दिया, जिस परिवार में एक आदमी को नौकरी हो जाएगा आरक्षण मिल जाएगा, उस परिवार को आरक्षण से निकाल दिया जाएगा। अरे भैया हमको आरक्षण किस आधार पर मिला है? डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो लिखे वह तो आपको प्रतिनिधित्व है, और सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, शिक्षा भेदभाव के चलते हम लोग को आरक्षण दिया गया है। तो संविधान में कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और दे रहा है, बहुत सारे साथी बोले हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज का बेटा जज होता है, कोई परीक्षा नहीं होती है, कोई आरक्षण नहीं है, डिवाइड कर दिए। हमको लगता है शेड्यूल कास्ट में 24 जातियां हैं, जिसमें धीरे धीरे 23 जातियों को जो है महादलित में कर दिया गया, और एक जाति को जो है सो दलित दिया गया। मैं उस समय भी अपने बहुत सारे मित्रों को बोला कि यह आने वाला समय में हमारे लिए बहुत हानिकारक हुआ, और हम लोग 21 सितंबर को जो पूरा भारत बंद किए थे और हम लोग जिला भी बंद किए थे, उसमें मुख्य था कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो मनुवादी न्यायाधीश लोग बैठे हुए हैं, वो उनको जो गाइडलाइन मिला, या बिहार के जो मुख्यमंत्री, और यह बात छनकर के भारत सरकार में गया, और उसी आधार पर संविधान का समीक्षा करके, और जो व्यवस्था संविधान ने दिया न्यायपालिका, वहाँ पर जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वह उनका मंशा था कि यह जो शेड्यूल कास्ट, जिसने बाबा साहब ने जिस शब्द का संविधान में प्रयोग किया, संविधान में कहीं दलित महादलित शब्द नहीं है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, वह जो शब्द बना था, बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे, इस शब्द का चयन बहुत विद्वतापूर्ण किया गया था, और अभी के समय में जो लोग, जो हमारे मुख्यमंत्री बिहार के और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके थ्रू यह सारी बात जो है सो मीडिया के थ्रू न्यायपालिका में गया, और न्यायपालिका इसको जो है सो हरे हाथ ले लिया। और देखिए अभी जो है सो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और इस पर सोचने की बात है। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे वक्ता लोग बहुत सारी बातों को बोले, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों से कि आप समझिए, राजनीति को समझिए, जो भेड़िया है जो अपना रूप बदल करके समाज को जो निगलता है, हमारा जो छोटा छोटा जो
गरीब तबके के लोग हैं उनको किस तरह से निगल रहा है। 5 किलो अनाज दे करके उनके अधिकारों को छीना जाता है। हमारे राजेश जी बहुत अच्छा से बोले, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत अच्छी तरह से बात बोले हैं। आप इसको समझिए कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, ये राजनीतिक जो है भेड़िया कौन है जो हम लोगों के बीच में रंग बदल करके आता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको याद है 2014 में हमारे जो प्रधानमंत्री है वो सत्ता में आए, वो प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं आए, उसका जो प्लानिंग होता है, जो थिंक टैंक कहते हैं, वो नागपुर से संचालित होता है। मैं कई बार मंचों से बोला मधुबनी में कि वो विश्व हिंदू परिषद, उसके बाद उसका जो आरएसएस का विभिन्न जो संगठन है वो बाबा साहब अंबेडकर का जयंती मनाने लगे। अब सोचिए, सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, हमारा जो घोर प्रतिद्वंदी है वो बाबा साहब अंबेडकर का जयंती क्यों मनाता है, उसके पीछे क्या कारण है? वही है भेड़िया हमारा, वो समाज को जो है सो तोड़ करके वो जहां देखता है कि चट से एक ठुको खा जाता है। अब देखिए, भारत का पहला संविधान है, संविधान का धारा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब उसको देखिए, उस पर लगा हुआ, उससे किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उसको खाने का मतलब है उसको शब्द को खाएगा, कोई नहीं बोलेगा देखे चलो भाई तू शब्द खा लिया, कोई नहीं बोल रहा है, इस तरह से जो है सो खा लिया। अब देखिए दूसरी बात हुई है, हमारा जो संविधान है अच्छा ठीक है, वो सब में आएगा फिर जो है तो बोलेंगे, ठीक है क्या बोले हमको याद नहीं है। अच्छा अच्छा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि भारत गणराज्यों का देश है। यह जो है तो संविधान का यह पहला धारा है। और देखिए, क्योंकि हमारे पास बुद्धिजीवी अब हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मनुवाद जिसको कहते हैं, जिसको 15% लोग कहते हैं और हम लोग 85% है, वह किस तरह से संविधान में धीरे धीरे छेद कर रहा है। हमारा जो संविधान है उसमें 49% ही रिजर्वेशन है वैधानिक रूप से, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी तो उसमें जो है 10% रिजर्वेशन जो कर दिया, वह बिना किसी बहस का, पार्लियामेंट में इसके लिए कोई बहस नहीं हुआ, रातों रात उसको कर दिया, जबकि संविधान में संशोधन के लिए बहुत बहस होता है। क्यों हुआ है? हमारे पार्लियामेंट में कोई जो है हमारे 85% के लिए बोलने वाले कोई नहीं रह गए हैं। रामविलास जी थे उस समय भी, उनका स्टेटमेंट हम लोग सभी लोग सुने होंगे, तो लगाई तो मतलब गजब का स्टेटमेंट दे दिए। तो हमको समझना होगा कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है। इस तरह से हमारा, देखिए हमारे राजेश भाई हैं और वो जयनगर से हमारे एक मित्र आए हैं, मैंने उनको जो है तो अभी मैं देख नहीं रहा हूँ, शायद चले गए। तो बैकवर्ड क्लासेस है, बात को समझिए, 85% हम लोग हैं जिसमें तीन पार्ट है, शेड्यूल कास्ट हुआ, शेड्यूल ट्राइब हुआ, बैकवर्ड क्लासेस हुआ, माइनॉरिटी हुआ। अब हमारे बैकवर्ड क्लासेस में क्या है, समाज का जो संपन्न लोग हैं, मैं इंगित करना चाहता हूँ हमारे समाज में बैकवर्ड क्लास में सबसे ज्यादा संपन्न है, ज्यादा परिवार आते हैं, ज्यादा जो जात है वो आता है, मैं क्यूबिक फ्रेंड कहना चाहता हूँ। और देखिएगा कि किसी भी उसका जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें 57% उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस को कितना मिलता है, 24% मिलता है। इसके लिए मैं कितने बार कितने मंचों से हमारे मुखिया जी हैं, बहुत जगह हम लोग जाते हैं, बोलते हैं कि भाई आप लोग को इतना जो है क्यों नहीं आप सड़क पर उतरते हैं। उसका मेन कारण है, मैं ही जवाब दे देता हूँ, इसका मेन कारण है यादव जो है वो संपन्न है, इस तरह से